स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इंग्लिश विद भास्कर सर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द पोएम डैफोडिल्स। और डैफोडिल्स पोएम को लिखा किसने है? डैफोडिल्स पोएम को जो लिखने वाले पोएट हैं उनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ जो है विक्टोरियन एज के ग्रेटेस्ट पोएट थे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इनके समय जो मोनार्क थी वो विक्टोरिया ही थी। और जो ये इनके जो बॉर्न है वो 7 अप्रैल 1770 को था और ये इंग्लैंड में ही जन्मे थे। और इनकी जो डेथ थी वो 23 अप्रैल 1815 को इंग्लैंड में ही हुई थी। और ऑक्यूपेशन आपको पता ही होगा कि इनका ऑक्यूपेशन पोएट हो जाएगा। और इन्होंने बहुत सारी रोमांटिक पोएम्स लिखी है जो माइलस्टोन है इंग्लिश लिटरेचर में। तो चलिए अब हम चलते हैं इस लेसन की ओर जिसका नाम है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स पोएम की क्या खास बात है पहले मैं आपको नैरेट कर दूँ। डैफोडिल्स पोएम में जो पोएट है वो एक बार गुजरता है, डैफोडिल्स यानी एक टाइप का ये फूल होता है जो इंग्लैंड में पाया जाता था और वो बहुत ही सारा निकला हुआ है यानी फील्ड्स में। और उसको देखने के बाद जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इनका जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और इसी खुशी को इन्होंने अपनी पोएम में राइट किया है। तो कैसे इन्होंने जो है राइट किया है कि डैफोडिल्स कैसे मुझे हैप्पीनेस देते हैं और किस तरह से मुझे हैप्पी बनाते हैं, मैं लोन जब ये लोनली होते हैं और जब ये मोनोटोनस होते हैं तभी ये उनको किस तरह से खुश कर देते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इस पोएम की ओर। और इस पोएम का जो पहला पैराग्राफ है वो है, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैलीज एंड हिल्स, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लोटिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको एक बार समझा दूं कि पोएट बोलता है कि एक बार वो अकेले घूम रहा था जैसे बादल घूमते हैं, या दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैलीज एंड हिल्स, जिस तरह से बादल ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर घुमा करते हैं और वैलीज में घुमा करते हैं, उसी तरह पोएट ने अपने आप को कंपैरिजन करके बोला है कि वह भी घूम रहा था। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, और तभी उसने देखा बहुत सारी भीड़। अब बहुत सारी भीड़ का मतलब यहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं थी, यहाँ पर किस चीज़ की भीड़ थी? अ होस्ट, होस्ट का मतलब होता है जो आपका स्वागत करे, जो आपकी मेज़बानी करे। तो इसने ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डैफोडिल्स हैं ऐसा लग रहा था जैसे सबका स्वागत कर रहे हैं और मेरा भी स्वागत कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, बहुत सारे डैफोडिल्स जो गोल्डन कलर के थे इनको इन्होंने होस्ट की तरह बताया कि वे मेरा स्वागत कर रहे थे। और इसी का उन्होंने बहुत बड़ा क्राउड देखा था यानी इनके जो पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लोटिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। बिसाइड द लेक यानी झील के किनारे, बीनीथ द ट्रीज यानी बीनीथ द ट्रीज का मतलब हो गया पेड़ों के नीचे, फ्लोटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ब्रीज का मतलब आप समझते ही हैं, जब धीरे धीरे हवा चलती है सुहानी सी तो उसे हम ब्रीज बोलते हैं। और फ्लोटरिंग का मतलब यहाँ पर है लहराता हुआ, जैसे झंडा फहरता है उसी तरह लहराता हुआ। तो जो डैफोडिल्स हैं वो इधर उधर झूल रहे हैं, इधर उधर हिल रहे हैं मंद हवा में। तो आप समझ सकते हैं कितना खूबसूरती से इन्होंने डिस्क्राइब किया है इस सीन को। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर, कंटिन्यूस As the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads, sprightly dance. अब इसकी मीनिंग क्या है इस पैराग्राफ की? Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. यदि आप Milky Way को देखेंगे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, तो यहाँ पे वही कंपैरिजन किया गया है, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। जिस तरह से मिल्की वे में सुंदर से स्टार चमकते रहते हैं, ट्विंकल यानी चमकते रहते हैं लगातार, उसी तरह से ये डैफोडिल्स भी इनको लग रहे हैं। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहे, यानी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ बे, और ये लगे हुए हैं किससे? खाड़ी से, यानी खाड़ी के किनारे पूरी तरह ये फैले हुए हैं। 10,000 saw at a glance, और ये लगभग 10,000 फूलों को एक बार में देख पा रहे थे। Tossing their heads in sprightly dance, और जो डैफोडिल्स हैं वो क्या ऐसा लग रहा था जैसे अपने सर को हिला करके डांस कर रहे हो जब हवा चल रही थी, जब ब्रीजिंग हो रही थी। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर हम चलते हैं, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे In such a jocund company, I gazed and gazed, but little thought
व्हाट विल्ड द सो ऑफ मी हैड ब्रॉट। कहने का मतलब क्या है, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, जो वेव्स थी पानी की उनके बगल में वो कैसा लग रहा था जैसे डांस कर रही हो। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन जो आउट डिड यानी एक अलग तरीके का जो है स्पार्क हो रहा था। स्पार्क यानी आप समझते हैं जब कोई चीज़ झिलमिलाहट के साथ चमके तो उसको बोलते हैं स्पार्क करना। तो आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, तो जो उनकी चमक थी स्पार्कलिंग जो था उनका वेव्स का वो कैसा लग रहा था, वो ग्ली कर दे रहा था। ग्ली का यानी आनंद से भर दे रहा था। तो कहने का मतलब है कि जो उनके बगल में जो वेव्स थी जो डांस करती हुई लग रही थी, वे चमक रही थी, स्पार्क कर रही थी और झिलमिलाहट के साथ, और वे आनंद से भर दे रही थी। किसको? वेव्स को। जो वेव्स थी वो आनंद से भर दे रही थी जो भी देखने वाला था उसको। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी। जो पोएट है वो कहता है कि हम कुछ और नहीं बट बहुत सारा खुशी ले सकते हैं। यहाँ पर गे का मतलब प्रसन्न होना है। इन सच अ जोकंड कंपनी, इस प्रकार के आनंदमय या जिंदा दिल साथ के साथ, यानी किसके साथ के साथ, जो डैफोडिल्स हैं उनके साथ के साथ। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट विल द शो टू मी हैड ब्रॉट। अ पोएट बोलता है कि मैंने देखा और फिर मैंने थोड़ा सा सोचा, व्हाट विल द शो टू मी हैड ब्रॉट, जो ये शो है वो मेरे लिए कितना अच्छा धन लेकर के आया है। यानी इसकी तुलना इन्होंने बहुत सारे धन से की है, यानी जो खुशियां हैं यही इनके लिए धन है, पैसे इनके लिए मायने नहीं रखते हैं। अब आगे है, फॉर ऑफन When on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. कहने का क्या मतलब है? For often, यानी अक्सर, when on my couch I lie in vacant or pensive mood. अब ध्यान रखिएगा, अब ये दूसरी दशा का वर्णन कर रहे हैं, ये सीन खत्म हो गया है। अब इनका कहना है कि जब भी वे सोफे पर होते हैं, कौचिन सोफे पर होते हैं या बहुत ज़्यादा उदास होते हैं खाली समय में, तो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वे अंदर की आंखों से उसे फ्लैश करते हैं, फ्लैश यानी उसे याद करते हैं, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सॉलिट्यूड का यहाँ पर एक सीधा सा मतलब होता है जब वो अकेले में होते हैं, तो अकेले में जो उन्होंने उस आनंद को प्राप्त किया था, ब्लिस को प्राप्त किया था, उसे वे याद करते हैं फ्लैश में जा करके। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स, और तब इनका हृदय फिर से दोबारा खुशियों से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है। तो आपने यहाँ पर देखा कितने अच्छे तरीके से इन्होंने इस पोएम को नैरेट किया। यहाँ पर इनका कहने का ये मतलब है कि जब भी ये एकांत में होते हैं, अकेले होते हैं और लोनली फील करते हैं, या पेंसिव मूड में होते हैं, या आप इन समझ सकते हैं मोनोटोनस मूड में होते हैं, तो जब भी वे उन्हें फ्लैश में जा करके, यानी फ्लैशबैक में जा करके जब उन्हें याद करते हैं उन डैफोडिल्स को, तो फिर से इनका जो मन है, जो इनका हार्ट है, वो प्लीजर फील करने लगता है और खुशियों से भर जाता है और नाचने लगता है जैसे डैफोडिल्स के फूल ब्रीजिंग में क्या कर रहे थे, फ्लटरिंग कर रहे थे, यानी डांस कर रहे थे। तो ये यहाँ पर डैफोडिल्स पोएम है, और ये मुझे उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। और एक शॉर्ट वे में आपको बोलूँ तो यहाँ पर किया क्या गया है, यहाँ पर पूरी पोएम को जो है नेचुरल पोएम बनाया गया है, और एक डैफोडिल्स के जो ढेर सारे फूल हैं उसने पोएट को कितना सारा प्लीजर दिया है ये बताया गया है। और जो पोएट है वो जो नेचर की ब्यूटी है उसे ही वेल्थ मानता है, और उसे ही रियल ब्यूटी मानता है, और उसे ही रियल प्लीजर मानता है। और ये पोएम आपको एक संदेश देती है कि नेचर ही आपको रियल प्लीजर प्रोवाइड कर सकता है, और जो आपके साथ सस्टेन करे बहुत लंबे समय तक जब आपका ग्लोमी डेज भी हो। तो उम्मीद है आपको ये पोएम बड़ी पसंद आई होगी। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इनकी यही खासियत है कि किसी भी चीज़ को इतने अच्छे ढंग से लिखते हैं और इतने सरल ढंग से लिखते हैं कि समझ में भी आ जाए और आपको पूरी पूरी तरह से आपको अटैच्ड कर ले अपने साथ। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पोएम बड़ी पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।